एक दिन ही क्या हुआ, मेरे भैया चप्पल नहीं पहने थे, वो घर की जस्ट थोड़ा पीछे वो बागों की तरफ वो ऐसे बात करते करते चले गए। वो एक लोहे का काटा जो है उनके पैर में घुस गया। वो उधर से चिल्ला कर रोने लगे। हमारे सारे घर वाले दौड़ के चले गए उसके पास, बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले ऐसे काटा हमको लग गया। वो काटा तो निकाल के फेंक दिए थे भैया ने, लेकिन वो ब्लड जो ज़्यादा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे भैया रो रहे थे। बहुत मुश्किल से उनको घर को लेके आए हम। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनको ब्लीडिंग कम हो गया, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। हम सोचे शायद वो टूट के पैर में कुछ रह गया है, लेकिन भैया बोले नहीं नहीं हम नहीं रहा है, हम निकाल के फेंक दिए, हम देखा है, चेक किया गया अच्छे से, नहीं है। ऐसे ही बहुत दिन उनको दर्द रहा, वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे और पैर में सूजन हो गया था, नीचे की तरफ से इतना बड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो रहा था। मम्मी बोले शायद वो तुमको मालूम नहीं है, तुम टेंशन में देखे नहीं ठीक से, वो कुछ टूट के अंदर ही रह गया है, तुम एक बार चेक कर लो, एक्सरे कर लो एक बार। फिर भैया बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, वो लोहे का था ना काटा, इसलिए थोड़ा दर्द तो ज़्यादा दिन रहेगा, इन्फेक्शन हो गया शायद, और ठीक हो जाएगा। ऐसे करके कुछ दिन बहुत नेगलेक्ट कर लिए थे। फिर ज़्यादा ज़्यादा उनको दर्द होने लगा। फिर मम्मी बोले नहीं अब तो नहीं होगा, तुम्हें एक काम करो, तुम आज जाके कर लो, उसके बाद क्या होना है हम देखते हैं। फाइनली मेरे भैया जाके चेकअप किए, मालूम पड़ा वो काटा आधा वो टूट के उधर ही फंस गया था। भैया बड़े मतलब मुँह लटका के आए, बड़े दुख हो रहा था उनको। मम्मी बोले क्या हुआ, बोले ऐसा ही, सच में तुम जो बोल रहे थे वही सही है, वो काटा आधा टूट के अंदर रह गया है। हमारा दिमाग मतलब ख़राब हो गया, हम क्या करेंगे, डॉक्टर बोल रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे भैया को ज़्यादा डर लगता था ऑपरेशन करेंगे, वो ऑपरेशन से उनको ज़्यादा डर लगता है। बोले हम तब हमारे गांव में एक फार्मासिस्ट आते थे, बहुत अच्छे थे वो, डॉक्टर जैसा थे, उनका बहुत नाम था गांव में, वो आसपास के सारे गांव में वही जाते थे, सबको देखते थे अच्छे से। उस दिन मेरे पापा बोले चलो ठीक है हम उनको बुलाते, भैया भी वही बोले हम उनको बुलाते, घर पर बुलाते, सारे घर वाले होंगे तो मुझे थोड़ा डर कम लगेगा, मामूली काटा सा तो है वो निकाल देंगे। फिर सब ने मिलकर वही डिसाइड किया, चलो घर पर ही करते हैं। फाइनली उनको हम दिखाए, वो आए एक दिन वो काटा निकलने के लिए, वो इंजेक्शन वगैरह लगा के उनको पैर के नीचे से काट के वो काटा निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, वो उनको काटा नहीं मिल रहा था, लेकिन ब्लड जो था रूम के स्टार्टिंग से वो डोर के उस पर जा रहा था, ऐसे नदी के पानी जैसे जाता है ना, ऐसे आ रहा था। हम देख के मतलब सब लोग रोने लगे, ये क्या हो रहा है, छोटा सा काटा के लिए इतना ब्लीडिंग हो रहा है, ये कैसा नहीं पता नहीं कैसे कर रहे क्या कर रहे। वो हम बोले क्या हुआ, उनको कुछ प्रॉब्लम है क्या, इतना ब्लड क्यों आ रहा है, बोले वो अंदर का जो वेन है वो कट चुका है और वो उसकी इतना ब्लड इतना प्रेशर में आ रहा है, हमको मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे हाथ नहीं लग रहा है, हाथ तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है लेकिन काटा जो है वो फुल अंदर है, हम निकाल नहीं पा रहे, वो ब्लड थोड़ा कम होगा तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। हमारा मतलब सबका दिमाग ख़राब हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल भी 8 किलोमीटर का दूरी पर था। तब हमको मतलब गलती का एहसास हुआ कि हम गलत कर लिए, इधर हमको नहीं करना चाहिए था, हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा फिक्र करने के चक्कर में हम बहुत बड़ी गलत डिसीजन ले ली थी। उसके बाद हम सब लोगों ने जोर जोर से रोए, भैया भी ज़्यादा नर्वस हो गए, उनको तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डर लगता था, अब सिचुएशन ऐसे हो गया था, वो ब्लड इतना आ रहा था अभी मतलब मेरी आंखों के सामने वही मतलब ब्लड मुझे दिख रहा है, वो रूम वो ब्लड दिख रहा है मुझे, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है अभी भी, वो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। हम सारे लोग डर के क्या किए, भगवान के पास जाके उनके सामने जाके रोने लगे, ठीक कर दो कैसे, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो फार्मासिस्ट वाले अभी लेके जाएंगे ना तो फिर भी मुश्किल है, हॉस्पिटल लेके जाएंगे इतना दूर है, वो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो अंदर का जो मेन वेन है वो कट गया है, इसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड भी तो रुकना चाहिए, और ऐसे भी हम ऑपरेशन मतलब स्टिचिंग नहीं डाल सकते क्योंकि काटा अभी भी अंदर ही फंसा हुआ है, नहीं निकला है। हमने सब लोगों मतलब सबके ऊपर भरोसा छोड़ के भगवान पर भरोसा किया, भगवान से मन्नत मांगे और फाइनली
उनको सड़न के मिल गया, वो फार्मासिस्ट को दिख गया वो काटा निकाल दे और भैया के मतलब स्टिचिंग कर दिया उनका पैर का। यही बोलना चाहती हूँ, आप ज़्यादा फिक्र के चक्कर में कब क्यों क्या करते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े गलती कर लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना, कुछ भी हो जाए तो सडन से आपको हॉस्पिटल जाना है, दिखाना है, उधर ऑप्शन होता है। मान लो कोई एक नहीं ठीक नहीं कर पाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, वो दूसरे हॉस्पिटल को भेजेंगे, वो एम्बुलेंस का वगैरह उधर होता है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होता है उधर। आप घर पर ऐसे ही करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। वो उस दिन का नज़ारा हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, इतना दुख हमको मिला था उस दिन, वो मतलब ये जन्म में भूलना तो मेरे लिए नामुमकिन है। रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखती हूँ, बाय बाय।